अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो थे वो दोनों एक जैसे थे। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो कमेंट कर सकता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है ए इक्वल टू 3120, बी इक्वल टू 1104, देन प्रूव दैट। तब हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? ए आइडेंटिटी 2 इक्वल टू ए, और बी आइडेंटिटी 2 इक्वल टू बी, और ए बी ट्रांसपोर्ट, या ए बी ए मल्टीप्लाई बाई बी का होल ट्रांसपोर्ट बराबर है बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। सही है, आसान है। मसला नहीं है, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी के बारे में जानना है कि आइडेंटिटी 1 जो है वो हमारे साथ है 1, ठीक है, आइडेंटिटी 2 हमारे साथ है 1001। ठीक है, हमारे साथ जो डायगनल एलिमेंट है, सही है, डायगनल एलिमेंट हमारे साथ 1 होनी चाहिए। ठीक है, जो वितर के अरकान है, सही है, ये वितर के अरकान है। ठीक है, वितर के अरकान हमारे साथ 1 होनी चाहिए। आप डायगनल जो है 0 हो, सही है, आप डायगनल 0 और डायगनल जो है हमारे साथ 1 हो, तो ये हमारे साथ क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरह आइडेंटिटी 3 हमारे साथ मौजूद है 1000010001, ये आइडेंटिटी 3 है। ठीक है, आइडेंटिटी 4 भी आप लोग बना सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 0 लगा दे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर 0 0, यहाँ पर 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, मतलब डायगनल में जो डायगनल एलिमेंट है वो 1 1 होनी चाहिए, और आप डायगनल वगैरह जो है वो सारा जो कालिब है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी 4 है, ये आइडेंटिटी 3, यहाँ पर आइडेंटिटी 2 की बात कर रहे हैं। सही है, आइडेंटिटी 2, क्योंकि हमें चाहिए आइडेंटिटी 2, तो आइडेंटिटी 2 हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, आइडेंटिटी 2 के साथ हम लोग इसका ज़रब देंगे। सही है, ये आइडेंटिटी 2 है हमारे साथ 1001, ये हमारे साथ आइडेंटिटी 2 है। चलो आते हैं सवाल की तरफ, सवाल कॉल करते हैं। पहला सवाल है हमारे साथ, फर्स्ट वन है ए आइडेंटिटी 2 इक्वल टू ए। ठीक है, जब हम लोग आइडेंटिटी 2 के साथ ज़रब देंगे तो हमें जवाब क्या आएगा, ये वाला है। चलो देख लेते हैं, प्रूव करते हैं, आएगा या नहीं आएगा। ए आइडेंटिटी 2 इक्वल टू ए, हम लोग इस साइड को हल करेंगे, यहाँ पर देखें ए आइडेंटिटी 2 इक्वल टू ए के अरकान हमारे साथ क्या है, 3120 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी 2 के अरकान ये वाले 1001। देखिए, हम लोग अपना जो ज़रब हम लोग दे रहे थे उसी कानून के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़रब लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी 2, यहाँ पर देखे 3 को हम लोग क्या कहाँ पर ज़रब देंगे, देखे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद 2 को हम लोगों ने ज़रब देना है 1 के साथ, 2 ज़रब है 1 और 0 ज़रब है 0, 0 ज़रब है 0, इसी तरह 2 ज़रब है 2 ज़रब है 0 जमा 0 ज़रब है 1। देखिए आइडेंटिटी 2 ए आइडेंटिटी 2 इक्वल टू 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 सिफर, सिफर 2 वन ज़ा 2 सिफर सिफर सिफर, सिफर जब सिफर के साथ ज़रब का आएगी तो क्या बन जाएगा, सिफर बन जाएगा। ठीक है, 3 सिफर सिफर और 1 वन ज़ा 1, 2 सिफर सिफर 0 वन ज़ा 0, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं।
तीन और जीरो को जमा करो, दो और जीरो को जमा करो, एक और जीरो को जमा करो, और जीरो और जीरो को जमा करो। आपके साथ जवाब अब क्या आ गया, ये वाला जवाब आ गया, इसके इक्वल है। ठीक है, जब इसके इक्वल है ये जवाब और ये वाला जवाब, ये एक दूसरे के साथ, मतलब ये सवाल यहाँ पर ए जो है हमारे साथ इस तीन एक दो जीरो के बराबर है, ए आइडेंटिटी बी हमारे साथ तीन वन टू जीरो के बराबर है। तो लिहाजा हम लोगों ने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ए आइडेंटिटी ए इक्वल टू ए, वी प्रूव दैट, वी प्रूव दैट। अच्छा, बी आइडेंटिटी टू इक्वल टू बी, इसको भी आप लोग इसी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, लिहाजा ये सवाल आप लोग खुद करें, क्योंकि बी हमारे साथ मौजूद है, आइडेंटिटी हमारे साथ मौजूद है, सही है। ये आइडेंटिटी टू है तो बी को इसके साथ ज़रब दे दो, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सरसाइज सारे ज़रब का था, तो ज़रब की वजह से हम लोगों को ये सारे सवाल, इनका जो ज़रब देना वो हमें आता है। ठीक है, चलो चलते हैं, ये तीसरा जो सवाल है वो इसको हल करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ए बी का होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोर्ट। तो होल ट्रांसपोर्ट मालूम करने से पहले हमें ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो मालूम करना है, सही है। ए और बी को हम लोग ज़रब देंगे, जब हमें जवाब आ गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्ट मालूम कर सकते हैं, सही। ए बी इक्वल टू, ए के अरकान हमारे साथ है तीन एक दो ज़ीरो, और बी के अरकान हमारे साथ है एक एक ज़ीरो फोर। बात आ रही समझ में, ये ए के अरकान हो गए, ये बी के अरकान हो गए, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज़रब देंगे। ठीक है, तीन ज़रबे एक जमा एक ज़रबे ज़ीरो, तीन ज़रबे एक जमा एक ज़रबे चार, दो ज़रबे एक जमा ज़ीरो ज़रबे ज़ीरो, दो ज़रबे एक जमा ज़ीरो ज़रबे चार। ठीक है, अभी आते हैं ए बी इक्वल टू थ्री वन ज़ा थ्री टू वन ज़ा टू, एक सिफर 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 सिफर, और यहाँ पर थ्री वन ज़ा थ्री टू वन ज़ा टू, प्लस फोर वन ज़ा फोर, प्लस फोर सिफर सिफर, शाबाश। यहाँ पर ए बी इक्वल टू, इन दोनों को जमा करो और इन दोनों को जमा करो, तीन और ज़ीरो जमा हो जाए वही तीन आएगा, तीन और ज़ीरो जमा हो जाए वही आएगा। हाँ, ये हो गया सात, ये हो गया टू। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं। अभी हम लोगों ने क्या मालूम करना है, ए बी का ट्रांसपोर्ट, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोर्ट लेंगे। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, और ये तीन सात दो दो। ठीक है, इसका भी हमारे साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट, सही है। तो हमारे साथ आ गया ए बी का होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, इनका भी ट्रांसपोर्ट लेंगे तीन सात, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है, जो कॉलम है उसको रो में चेंज करना है। ठीक है, तीन सात दो दो, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लिया, सही है, क्योंकि इस वजह से ये वाला जो टी है वो ख़त्म हो गया, ये वाला ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया। ए बी का होल ट्रांसपोर्ट हमारे साथ जवाब ये वाला आ गया, सही है।
अभी हम लोगों ने क्या मालूम करना है, बी ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इसका प्रोडक्ट। सही, इसको मिटा देते हैं। देखिए, बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट, बी वाले बी ट्रांसपोर्ट हम लोग मालूम करेंगे, लेकिन बी ट्रांसपोर्ट बी इक्वल टू हमारे साथ क्या है, एक एक जीरो फोर। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो हो गया बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू एक एक जीरो चार का ट्रांसपोर्ट, बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आपने क्या करना है, एक एक जीरो चार, मतलब रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया, ये हमारे साथ क्या हो गया, बी का ट्रांसपोर्ट हो गया। सही है, उसके बाद हम लोग ए का ट्रांसपोर्ट मालूम करेंगे, ए इक्वल टू हमारे साथ क्या है, तीन एक दो जीरो। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोर्ट बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। सही है, उसी तरीके के मुताबिक ये ट्रांसपोर्ट हम लोग लेते हैं, ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू तीन एक दो जीरो ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू तीन एक दो जीरो। ये हमारे साथ इनकी जो ट्रांसपोर्ट था वो हमें मिल गया। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को जरब देना है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो छोड़ देंगे, ए बी का जो होल ट्रांसपोर्ट है इसका जो आंसर है वो हमारे साथ है तीन सात दो दो। ये हमारे साथ क्या है, इसका ट्रांसपोर्ट है। सही है, अभी हमारा जो ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट का जो जवाब है वो आ सकता है इसके बराबर या नहीं आ सकता है, चलो देखते हैं। ए ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट हमारे साथ ये वाला है, अच्छा पहले बी ट्रांसपोर्ट का, बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट, बी के अरकान हमारे साथ बी ट्रांसपोर्ट के है, एक 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 जीरो चार, और ए के अरकान हमारे साथ है तीन दो एक जीरो, तीन दो एक जीरो। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, हल करना है। बी ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू एक ज़रब है तीन जमा ज़ीरो ज़रब है एक, एक ज़रब है दो जमा ज़ीरो ज़रब है ज़ीरो, एक ज़रब है तीन जमा चार ज़रब है एक, एक ज़रब है दो जमा चार ज़रब है ज़ीरो। बी ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू थ्री वनजा थ्री, थ्री वनजा थ्री प्लस प्लस, ठीक है, फोर वनजा फोर और सिफर वनजा सिफर, टू वनजा टू, टू वनजा टू, सिफर सिफर और फोर सिफर जा सिफर। बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू हमारे साथ है थ्री, थ्री और ज़ीरो जमा करे वही थ्री, फोर और ये जमा करे सात, ये दो जमा करे दो, ये हो गया दो। देखे ये वाला जो जवाब है और ये वाला जो जवाब है ये दोनों सेम आ गए, एक जैसे आ गए। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट, वी प्रूव इट, वी प्रूव देख, मतलब हमने साबित किया। अगर इसमें कोई मसाला हो किसी को, क्लियर है, शाबाश।